हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान है, आपको यहाँ नीचे एक बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिर्फ उसे प्रेस करना है। तो चलिए मैं प्रेस करके बता देता हूँ, ये हो गया है और इससे ही आपका चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप एट एल्जेब्रा का। जो टाइप एट है वो किस टाइप का है? अब ये बिल्कुल बेसिक है। एक्चुअल में इसमें ए और बी की वैल्यू, यानी ए और बी की वैल्यू तो हो रहेगी सेम, लेकिन यहाँ पे माइनस का निशान है। देखो, प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे माइनस है तो हमें क्या लिखना होगा, एक नेक्स्ट फॉर्मूला क्रिएट करना होगा। और वो फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, वो फॉर्मूला होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और हमने बचपन में ही पढ़ा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। अब हमें वैल्यू ये वाली फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यानी ये ए स्क्वायर, ये जो पार्ट होगा ये आपका क्या होगा, ये तो हो गया ए, ये जो इतना पार्ट होगा ये क्या होगा आपका बी। तो अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये यही पार्ट हो गया, तो हमें क्या करना होगा, इसको इधर लेके आना होगा। अब ये क्या वैल्यू बनी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये इधर माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस का टू ए बी, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला क्रिएट कर लिया कि अगर कभी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो प्लस वाली, और आपको वैल्यू माइनस वाली दे रखी हो, तो हमें माइनस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला। अब देखो, पहले तो हम इसको बेसिक से करेंगे, फिर डायरेक्ट ट्रिक, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा क्रिक, जो ट्रिक है वो जल्दी ही आप सोल्व कर लोगे, बनाना भी सीख जाओगे आप ट्रिक। देखो पहले तो बेसिक से करते हैं। अब हमें ये वैल्यू दे रखी है, स्केयरिंग बोथ साइड किया तो वैल्यू आई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई ए और बी की वैल्यू है एक्स, वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 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 जा फोर, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, इधर क्या था ये वैल्यू, माइनस की थी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखो ये रहा, अब ये अगर इधर माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस का हो जाएगा, और फोर प्लस टू क्या हो गया, सिक्स, और यही क्या हो गया बच्चे आपका आंसर, ठीक है। अब ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है, जब ए और बी की वैल्यू सेम हो तो क्या करेंगे, स्क्वायर करके प्लस टू ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करके प्लस टू ऐड कर देंगे, दो दूनी चार प्लस दो क्या आ गया बच्चे, सिक्स, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। इसी ट्रिक को हम इन क्वेश्चनों पे भी अप्लाई करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। होप आपने ये समझ लिया होगा अच्छे से, बिल्कुल आसान है। देखो कैसे, अब जो नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा बच्चे, वैल्यू दे रखी है एक्स माइनस वन बाय एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, फोर, और बच्चे हमें फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो समझना बच्चे, अगर इधर माइनस का इधर प्लस का है तो स्केयरिंग कौन से तरीके से करेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो फिर से हम एक बार करके देखते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड, वैल्यू आई एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू, ए बी की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन वन बाई एक्स, ए बी की वैल्यू आ गई, चार का स्क्वायर करेंगे तो क्या होएगा बच्चे, 16, ठीक है। फिर से एक्स कैंसिल हो गया, इधर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये जो इधर माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस का, और ये क्या आ गई, 18 आपका आ गया बच्चे आंसर, ठीक है। ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे ही देखा ये माइनस है इधर प्लस का करना है, ए और बी की वैल्यू सेम है, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस टू, चार चौका 16 प्लस दो इज इक्वल टू क्या आ गया, 18, यही आपका आंसर हो गया। और बच्चे यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 18। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें देखो ये दे रखा है अंडर द रूट, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर हमें अंडर रूट को ख़त्म करना है तो हमें क्या करना होता है, स्केयरिंग बोथ साइड करना होता है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, फिर ट्रिक देखेंगे। देखो सबसे पहले हर क्वेश्चन का बेसिक सीखो, उसके बाद उसकी ट्रिक सीखो। तो जो थर्ड क्वेश्चन है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चे, देखो इस तरफ है माइनस का निशान है, वैल्यू क्या दे रखी है 5, और हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चे,
एक्स प्लस वन बाय एक्स। अगर हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसका स्केयरिंग हटाना पड़ेगा, ये अंडर रूट हटाना पड़ेगा। अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, 1/2 होती है, और इसको अगर हम स्केयर करेंगे तो दो से जैसे स्केयर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा अंडर द रूट। ठीक है, तो हम करते हैं पहले बेसिक से, कैसे करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड। जैसे ही हम स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर क्या वैल्यू बनेगी बच्चे, ये तो अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय ए बी। ए बी की वैल्यू क्या है, अंडर द रूट मल्टीप्लाई बाय वन बाय अंडर द रूट इज इक्वल टू व्हाट, इधर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, अच्छा एक्स, ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये जो माइनस का 2 है इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस का 2, और ये क्या वैल्यू आ गई 27। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे ही देखा a प्लस बी की वैल्यू सेम है, इधर माइनस है इधर प्लस है, क्या करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 2, 25 प्लस 2 क्या हो गया बच्चे 27 आंसर। ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा सबसे पहले आप बेसिक को सीखो, उसके बाद आप ट्रिक को अप्लाई करो। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए आनी चाहिए। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो गया बच्चे 27। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चे क्या 27। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, पहले से स्केयरिंग दे रखी है उसका भी स्केयर करना है। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, क्या करेंगे बच्चे 6 का स्केयर प्लस 2 कितना आ गया, छुक छुक 36 प्लस 2 क्या आंसर आ गया 38, यही आपका क्या हो गया बच्चे आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं, इसका स्केयरिंग करना है, ये वैल्यू निकालते हैं, इधर माइनस का है इधर प्लस का है, ए और बी की वैल्यू सेम है। ठीक है, इधर भी 3x है इधर भी 3x है, क्या करेंगे बच्चे स्केयरिंग करके प्लस 2 कर देंगे, यानी कि 12 को अगर हम 12 से गुना करेंगे 144 प्लस 2 आंसर क्या आ गया बच्चे 146। आप सबसे पहले बेसिक से करें, उसके बाद जैसे ही आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आप जितनी बार भी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते चले जाओगे तो खुद की ट्रिक क्रिएट हो जाएगी। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके 9 टाइप को डिस्कस करेंगे, तो आप इसको उतार लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं।